नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। शिमला, राष्ट्रपति कोविंद ने झाकू हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, रिज पर चखा पॉपकॉर्न का स्वाद निहारी वादियाँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को रिज मैदान पर चहल कदमी कर रहे आम लोगों के बीच पहुँच गए। अचानक राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान सैलानी भी काफ़ी संख्या में यहां घूम रहे थे। राष्ट्रपति को देखते ही लोगों ने मोबाइल से उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी किसी को नाराज नहीं किया और खुले दिल से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को हनुमान मंदिर जाखू में माथा टेकने गए थे। वहां से लौटने के बाद 5:40 पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंचे। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला रुका। राष्ट्रपति अपने वाहन से नीचे उतरे और सड़क के दूसरी ओर खड़े लोगों के अभिवादन को हाथ हिलाकर स्वीकारा। इस दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि मेरे शिमला दौरे से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, तो लोगों ने जवाब दिया नहीं। जस्टिस मोहम्मद रफीक बनेंगे हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक जल्द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलजियम ने इसकी नियुक्ति की सिफारिश की है। प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आरबी मलिमठ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। जस्टिस मोहम्मद रफीक राजस्थान के मूल निवासी हैं। इनका जन्म 25 मई 1960 को हुआ है। हिमाचल ऑनलाइन शिक्षा देने वाले उत्कृष्ट शिक्षक 5 अक्टूबर को होंगे सम्मानित। कोरोना संकट के दौरान हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन शिक्षा देने वाले उत्कृष्ट शिक्षकों को 5 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग समारोह आयोजित करेगा। सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों के चयन को विभागीय अधिकारियों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर अधिक शिक्षकों को सम्मानित नहीं किया जा सका। ऐसे में कोरोना संकट के दौरान बेहतर तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले शिक्षकों को अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल के 4 क्रिकेट स्टेडियम में आज से T20 का रोमांच। कोरोना काल के बीच IPL के दूसरे चरण के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी T20 क्रिकेट का धूमधड़ाका शुरू होने जा रहा है। प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आज से पुरुष वर्ग की सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है। प्रदेश के 4 क्रिकेट मैदानों में मुकाबले होंगे। सुबह और शाम के 17 में मैच होंगे। 12 जिलों की टीमों को 2 पूल में रखा गया है। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में मैच खेले जाने हैं। हमीरपुर एक व्यक्ति को 2 नामों से जारी कर दी किसान सम्मान निधि। एक ही किसान को 2 अलग अलग बैंक खातों में PM सम्मान निधि बांटी गई है। यह मामला विकास खंड भमसन का है। एक खाते में उपनाम कुमार है तो दूसरे में शर्मा है, जबकि पिता का नाम और घर का पता दोनों खातों में एक ही दर्शाया गया है। मामला उजागर होते ही राजस्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग नाम से PM किसान सम्मान निधि हासिल करने का अनोखा मामला सामने आया है। जांच कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले में अपात्र परिवारों ने PM किसान सम्मान निधि के करीब 98.40 लाख रुपये डकारने का मामला भी सामने आ चुका है। वहीं विभाग ने जाँच के बाद करीब 42 लाख रुपये की रिकवरी कर ली है, जबकि राशि को वसूलने की प्रक्रिया जारी है। इस तरह के मामलों में अंकुश लगाने के लिए प्रदेश भू रिकॉर्ड और राजस्व विभाग के निदेशक ने प्रदेश की सभी पंचायतों में PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची चस्पा करने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना, हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 168 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। हमीरपुर जिले में 70 और 67 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार को कोरोना के 168 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3633 पहुंच गया है। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 142 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना की जांच के लिए 10535 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 28 सितम्बर को शिक्षक अभिभावक संवाद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ 28 सितंबर को शिक्षक संवाद करेंगे।
इस दौरान फर्स्ट टर्म परीक्षाओं के परिणामों को साझा किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से इस बाबत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 4 से 14 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ली गई है। प्रति विषय 3 घंटे की परीक्षा में विद्यार्थियों से 40% ऑब्जेक्टिव और 60% सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए। निजी बस ऑपरेटरों की परिवहन मंत्री से बैठक, टैक्स माफी में जल्द मिल सकती है राहत। कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को टैक्स माफी में फिर से कुछ राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल में बैंकों से ऋण लेने में आ रही परेशानियों का भी जल्द समाधान हो सकता है। टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल की घोषणाओं को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश निजी बस ऑपरेटर्स संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में शनिवार को शिमला में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से भेंट की। वहीं इस अवसर पर आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और बताया कि पेट्रोल डीजल महंगे होने के कारण बसों का संचालन मुश्किल हो गया है। वहीं 50% टैक्स माफी के बाद 100% टैक्स को माफ करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में बस ऑपरेटरों को हानि में अपनी बसें चलानी पड़ रही है। जिले में 27 मुख्य शिक्षक बने केंद्रीय मुख्य अध्यापक। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जिला शिमला ने जिले के स्कूलों को 27 मुख्य शिक्षकों को पदोन्नत कर केंद्रीय मुख्य शिक्षक के पद पर तैनाती के आदेश जारी किए हैं। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भागचंद चौहान ने इन शिक्षकों को 15 दिन के भीतर संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग देने को कहा है। हिमाचल 947.47 करोड़ के निवेश के 8 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 4,442 लोगों को मिलेगा रोजगार। नए उद्योग स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार की 8 परियोजना प्रस्तावों को शनिवार को हुई राज्य एकल खिड़की स्वीकृत एवं अनुश्रवण प्राधिकरण सिंगल विंडो को 19वीं बैठक में स्वीकृति दी गई। प्रदेश में कुल 947.47 करोड़ का निवेश होगा और 4,442 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियों में तेजी लाई जाएगी। प्राधिकरण ने ऑटो पार्ट्स के निर्माण के लिए मैसर्स इंडोफर्म इक्विपमेंट लिमिटेड गांव मलगू माजरा सोलन को मंजूरी दी। वहीं निवेशकों से बैठक करने पर 25 को हिमाचल आएंगे केंद्रीय मंत्री गोयल। प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर 25 सितंबर को आएंगे। उद्योग मंत्री ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपतियों से बैठक कर उनसे विचार विमर्श करेंगे। हिमाचल कैबिनेट बैठक, स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने और 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर होगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 24 सितंबर को हिमाचल कैबिनेट की बैठक सचिवालय में सुबह 10:30 होगी। बैठक में शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8,000 मल्टीटास्क वर्करों के पदों को लेकर फैसला होना संभावित है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने का फैसला भी इस बैठक में होगा। अभी 21 सितंबर तक सरकार ने विद्यार्थियों के स्कूल आने पर रोक लगाई है। कैबिनेट बैठक में अक्टूबर में शुरू होने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा पर भी चर्चा होनी संभावित है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के नियंत्रण के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।